किसान भाइयों नमस्कार, मालवा फार्म में आपका स्वागत है। ये वीडियो हम बना रहे हैं मंडी डब वाली गुरविंदर भाई के पास। यहाँ से कुछ गायें सेल होकर राजस्थान के एरिया में जा रही है। ये जो सभी आप सामने गायें देख पा रहे हो, ये गुरविंदर भाई ने यहाँ से सेल की है। राजस्थान गायें जा रही है। गायें की आप क्वालिटी देख सकते हो, बीकानेर के एरिया में गायें गई है। टॉप क्वालिटी की गायें हैं, सभी गायें आपको चलाकर दिखाई जाएगी। गायें का रेट और दूध बताया जाएगा। क्वालिटी के बारे में हमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। गाय की क्वालिटी आप खुद देख सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए गुरविंदर भाई से भी बात करेंगे और जो ग्राहक आए हुए हैं उनसे भी बात करेंगे। हाँ जी गुरविंदर भाई नमस्कार। नमस्कार जी, क्या हाल है जी? बढ़िया सर। कितनी गायें जा रही है बीकानेर? ये 7 गाय जा रही है सर बीकानेर। एवरेज रेट? एवरेज रेट सर 50 से स्टार्टिंग होके 85 तक। मिल्किंग 20 से स्टार्टिंग होकर 50 लीटर तक एनिमल। कैसी कैसी ब्रीड है, ब्रीड के बारे में बता दो। जे गायें तो बिल्कुल टॉप की लग रही है सर। हमारे पास सभी आ रहे, जब तक हम वीडियो पहले से क्रॉसिंग में, अभी तो हमारा माल टॉप होता है सर, कस्टमर के प्यार की वजह से है सर। ठीक है जी। और नए, सबसे पहले एक मिनट अभी गाय मत चलना, जो नए किसान अभी अभी वीडियो देखना स्टार्ट किए हैं, मंडियां भी स्टार्ट हुई है, उनको कुछ मैसेज लगाना चाहूँ? मैसेज तो यही है सर, एक अगर फार्मर अच्छा होगा तो एनिमल अच्छा होगा। अगर फार्मर को नॉलेज नहीं है तो एनिमल को भी नॉलेज वाला नहीं मिलेगा जी। और कलर क्वालिटी देखे, प्रिंट ये को क्रॉसिंग गाय का भी व्हाइट एंड ब्लैक आता है। अगर ब्रीड में जाओगे तो ही सक्सेसफुल होगे सर। ठीक है, ब्रीड में मिल्किंग करना सर। वो तो जितनी बढ़िया ब्रीड होगी उतनी महंगी भी मिलेगी, लेकिन दूध भी बढ़िया निकालेगी। हाँ जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, क्या हाल है जी? बीकानेर के आसपास में गांव है आपका कोई? नहीं नहीं, बीकानेर। 7 गायें खरीद रही है गुरविंदर भाई से। कैसे रेट की गायें मिल गई आपको? रेट में सर ऐसा है 50 से लेके 85, 90, 75। महंगी लगी या सस्ती? ना ना, कोई महंगी नहीं। महंगी नहीं लगी? ना, जो क्वालिटी चाहिए थी वो मिल गई। बहुत बढ़िया, अच्छी क्वालिटी मिल गई, जो चाहिए थी उससे ऊपर मिली हमें। आपको तो मैं हर मंडी पे देखता हूँ, आप तो काफी लंबे समय से अराउंड वाली। हाँ जी सर, यस सर। जितना दूध बोल देते हैं गुरविंदर उतना दूध निकलता है? उससे 2 किलो फालतू होता है। जे गायें अभी क्या बना है? कितने दूध की है जे गायें? ये 40 लीटर दूध की। आपको लग रहा है 40 उधर जाकर देगी? 40 से ऊपर जाएगी सर। मैं आपको बता दूं, इनके पास 50 एनिमल है। जितने 50 एनिमल मेरे पास से गया सर, और कभी जितना मिल्किंग बताया कंप्लेंट नहीं है। फार्मर आपके सामने है सर। सच है जी? सच सच, राइट है एकदम। जो बोल देते हैं उतना उधर निकलता है, उससे 2 किलो फालतू होता है। और जो आपके किसान है और इधर आना चाहते हैं राजस्थान के किसान, उनको क्या कहना चाहोगे? ये बंदा सही है, ईमानदार है। मैं तो यही कहना चाहूंगा, गुरविंदर भाई से कांटेक्ट करें, सही बंदे हैं, अच्छे एनिमल मिलेंगे, गाइड सही करते हैं, गाइडेंस करेंगे आपको डेयरी फार्मिंग के लिए, अच्छे पशु, अच्छे एनिमल, सारी जानकारी, नॉलेज सारा देंगे। ठीक है, घर जैसा माहौल है, इनके पास कोई ठगी वाला काम नहीं जी। धन्यवाद भाई साहब। गुरविंदर भाई अभी जे गाय के बारे में बता दो। जी गायें, गायें एक्सप्लेन करने से पहले बातें करें सर, ये आपके फार्मर सामने है सर, अगर इसको 50 एनिमल अच्छे गए तो ही ये 51 ले रहा है, ठीक है। अगर 50 ना अच्छे निकल तो ये वापस कब आता है? यही हमारा फार्मर का सर कि हम 3-4 साल से यूट्यूब पे हैं तो कभी भी हमारा कंप्लेंट नहीं आया तक। कमेंट चेक करो, नेगेटिव कमेंट नहीं आता। आपके सामने है सर, ब्रीड आपके सामने है सर। गाय ये ना देखो भी आपको गाय 50 में मिल रही है, 55 में मिल रही है। 9 लेना चाहते हो 8 ले लो, 10 लेने देते हो 9 ले लो, पर ब्रीड वाला एनिमल लो, जो आपको ये जो सीमन मिलेगा जहाँ इसके बच्चे मिलेंगे वो भी अच्छे मिलेंगे। जे गाय कौन से लैक्टेशन में? फर्स्ट में है सर, दूध 40 लीटर दूध करेगी। 40 लीटर सर, मदर कॉर्ड 55 लीटर है सर, 100% प्योर। मैं क्या दूध मिल्किंग करवा दूंगा, कोई मिल्किंग करना चाहता है, और मैं हमारे रेट और दूसरे रेट से मैं चैलेंज। क्या प्राइस है? प्राइस की बात में तो आते हैं सर, और हमारे और दूसरे रेट के मैं चैलेंज करता हूँ कि अपने ऐसा कोई रेट नहीं देगा सर जो हम दे रहे हैं सर। हमारा चैलेंज है सभी। सीमन कौन सा लगा हुआ है? सीमन इसको डेनमार्क का लगा हुआ 40-160। और प्राइस? प्राइस की बात करें तो सर 85 की है सर। ये चलाओ ये 85,000 40 लीटर दूध सर। हाइट हांचल की क्वालिटी देखो सर। चलाओ जी चलाओ गाय। हाइट क्वालिटी देखो सर, गाय की फिटनेस वाला ऑर्डर देखो। ये गाय नहीं है मंडी से ना, मैं नहीं बोलता कोई फार्मर फेल होगा सर, सभी आर्मर सक्सेसफुल होंगे।
ये गाय कौन से प्रांत में है जी? सर इसकी जो क्वालिटी है, कोई तो बोलेगा इसको ब्रीड में है, पर ये 80% में एक्चुअल में 20% क्रॉस है। हाँ जी 30 लीटर करेगी, फर्स्ट में है सर। 30 लीटर कहाँ कर जाएगी, नीचे तो कुछ है नहीं सर। अभी 15-20 दिन ब्याने में पड़े, अभी ब्रीड से एडी में ये देखो सर, अभी दांतों में दो ही दांत है, ये देखो दो दांत है सर। 30 लीटर कर जाएगी 100% सर, मैं तो कम बोल रहा हूँ पड़ा जाएगी। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर यंग ब्लड होगा ना, इसको किसी मौसम में फेंक दो, इसकी कमरेट देंगे, चाहे 47 टेम्परेचर, 48 तक, 50 तक, गर्मी में रह सकते हैं। प्राइस इसका सर 70 है सर। 70 में जा रही है जी, जी, चला दो जी। आचर का गैप चेक करो सर, ब्रीड चेक करो, आर्डर की क्वालिटी देखो सर, एकदम ब्रीड वाली एनिमल लात नहीं मारेगा सर कभी, एकदम बच्चा भी दूर तो कोई बात नहीं। हांचल का गैप बराबर है सर, ये घुटनों पे आप ऑर्डर, हांचल का गैप एकदम, और ये चीज आपको देखने वाली होती है सर, ब्रीड एनिमल में पहचान होती है। ये फर्स्ट में है, वो सेकंड में है सर, और अगर ब्रीडेड एनिमल लोगे ना, मैं आपको लिख के देता हूँ स्टाम्प पेपर पे, भी आप कभी भी फार्म में फेल नहीं होगे सर। अगर लोकल एनिमल ले जाओगे तो आपका फार्म कुछ नहीं बोल सकता, सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह पा सकते। कस्टमर ने इतना प्यार दिया, हमारा काम है अच्छे से अच्छे एनिमल कस्टमर को प्रोवाइड करना। आए दिन ब्रीड बढ़ती जा रही है आपकी ना, क्वालिटी कस्टमर का प्यार है सर। ये अगर धोखाधड़ी वाला मामला 2-4 दिन चलता है, ज्यादा टाइम नहीं चलता सर, ब्रीडेड एनिमल आप कभी भी लोगे ना तो ये फेल ही नहीं होते। हाँ जी जी जी। अभी इस गाय का बैकग्राउंड बता दो, कौन से लैक्टेशन में है? फर्स्ट में सर, दो दांत है अभी घुटनों के। आर्डर हमारी जितनी वीडियो देखोगे ना, ये आर्डर इनका घुटनों के ऊपर फिटनेस वाला फॉरेन टाइप आर्डर है। कितना दूध करेगी ये? ये सर 25 लीटर मिल्किंग करेगी सर। और रेट इसका? रेट इसका 62। चलाओ जी गाय को, 20 लीटर गाय का इसका मिल्क रहेगा जी, 25 लीटर और 62,000 गाय का रेट है। ये सेल होकर बीकानेर जा रही है गुरविंदर भाई के पास से, मंडी डबवाली पे ये गाय सेल हुई है सर। इसलिए तो हमारे पास हर वीडियो में कस्टमर होता सर। और गाय चला दो भाई कोई, जे गाय भी आप ही की है? जे कौन से ब्यांत में है सर? जे 101% सेकंड में है सर, 4-6 दांत है सॉरी सर, सेकंड में छह दांत है। कितने दिन ले जाएगी अभी सर? अभी 10 रोज मिनिमम ले जाएगी, 35 लीटर मिल्किंग करेगी सर। 35 लीटर जी, जी। प्राइस भाई? प्राइस की बात करें तो 75 है सर इसकी। चलाओ जी गाय को, ऑर्डर की क्वालिटी देखो, रीड लोगे तो कभी भी आप फेल नहीं होगे, सक्सेसफुल ही होगे सर। ये ब्रीड है सर, ब्रीडेड एनिमल होगी। 35 क्या है, अगर अच्छा मैं तो कम बोल रहा हूँ, 35 या 40 लीटर भी निकाल सकती है सर। अगर कश्मीर में जाएगी तो 40 लीटर बोलोगे सर, उधर मौसम ठंडा है। गाय तो हमारे पास 7 टाइम 30-35 गाय अवेलेबल रहती है सर। कभी भी आप फार्म में आके मिल्किंग करने जाते हो, जो भाई हम मिल्किंग करवा के उनको एनिमल, बंदे को यकीन होना चाहिए, कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए सर। एनिमल हमसे एक से एक बढ़कर कोई एनिमल, 40 से स्टार्टिंग होकर हमारे पास 1 लाख तक एनिमल रहते हैं सर। साहिवाल, जर्सी और फैलो भी रहती है सर, जिन्हें भाइयों ने लेनी है वो आप हमारा स्क्रीन पर नंबर दे रहा, आप कभी भी हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारी गुरविंदर डेयरी फार्म भर के आप सभी वीडियो निकाल सकते हो, चेक कर सकते हो। एक कमेंट पढ़ के, नीचे से कमेंट पढ़ो, विश्वास वाले आदमी से एक एनिमल प्रोसेसिंग करो, ये मेरा सभी को कहना चाहूँगा, भी किसी अच्छे फार्म से एनिमल प्रोसेसिंग करो। सभी किसान भाइयों का धन्यवाद।